स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल बाबू स्टडी में। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 10th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव रसायन शास्त्र से पूछा जाता है उसी का हम एक लेसन से कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए। आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए और हमारे वीडियो को एंड तक वॉच करें। दोस्तों जो कि हम बता दें आप लोगों को कि एक से सोलह तक जो प्रश्न है हम उसको एक पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का हम कलेक्शन किए हैं और उस वीडियो में बताए हैं। उसके आगे जो प्रश्न है इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू स्टडी को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस कर दें। चलिए तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तो मेरा एक नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समीकरण क्या है H2+Cl2 2HCl जो है वह क्या है। ठीक है, वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक संयोजी अभिक्रिया है। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, यह एक संयोजी अभिक्रिया है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है वह मेरा सी नंबर हो जाएगा, AgNO3+NaCl AgCl+NaNO3 होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सी नंबर आंसर सही होगा, बी Fe+CuSO4+Cu होता है। ठीक है, मेरा सी नंबर आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि 20 नंबर कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रियाएं से क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो मेरा ए नंबर आंसर सही होगा। दोस्तों इस जो हम वीडियोस बनाते हैं उस वीडियो को एंड तक वॉच करें और आप लोग मिला ले कि हाँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। हर गाइड में यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हम कोई गलत मतलब जो है वह ऑब्जेक्टिव को नहीं अपलोड करते हैं। जो हमारे एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है उसी का हम कुछ कलेक्शन किए हैं। ठीक है, हमारे वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मेरा 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन अभिक्रिया जो होती है नहीं होती है H2+Cl2+2HCl जो कि ये अपघटन अभिक्रिया है सब है। ठीक है, ये भी है और ये सी नंबर जो है वह नहीं है। ठीक है, तो मेरा सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वह क्या होती है। तो देखिए, तो मेरा CaCO3 CaCO3 CaCO+CO2 जो कि ये नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हाई सी नंबर होगा, CaO+H2HCl CaCl2+H2O। ठीक है, तो मेरा सी नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक दहन क्रिया जो होती है वह मेरा पेट्रोल का जलना होता है। ठीक है, पेट्रोल का जलना जो कि जल का उबलना नहीं होगा, मोम का पिघलना नहीं होगा, तो क्या होगा, सी नंबर इसका सही होगा, पेट्रोल का जलना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 24 नंबर की
चौबीस नंबर जो क्वेश्चन है कि 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो भी देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि Zn O + CO2, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मेरा ऑप्शन है Zn O अवकृत हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। CO अवकृत हो रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा ऑप्शन जो है आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट ऑप्शन है सॉरी, वो देखिए 24 का, तो Zn अवकृत हो रहा है, तो Zn जो होगा वह अवकृत, तो डी नंबर इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट 25 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, इसमें से जो है ये ऑप्शन जो है उसमें से कौन गलत है, ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि कौन गलत है। आप लोगों को पता है अगर जिस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर पता है उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखिए इसको 25 नंबर को हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए क्या होता है कि सी नंबर जो है ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक है, यही जो है ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 26 नंबर है कि किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का घटना का क्या कहलाता है, घटना जो है वह क्या कहलाता है, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 नंबर कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो प्रज्वलन ताप कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 नंबर तेलयुक्त एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ थोड़े से ही समय के बाद सड़ने गलते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या होता है, जो कि बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हमको पता होगा कि ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण सी नंबर इसका सही होगा। ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं या उपचयन भी कह सकते हैं, इसमें से दो को एक में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है या दो भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। दोस्तों अगर हम बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू स्टडी को, तो हमारे बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि देखिए 29 नंबर है कि Na2SO4 plus BaCl2 plus 2NaCl, तो देखिए आप लोगों को दिखा दें हम यहाँ कि यहाँ देखिए 2018 में पूछा इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद तो देखिए हम इसका आंसर नहीं बताए थे 29 नंबर का, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि 30 नंबर Zn plus CuSO4 plus Cu, ठीक है, तो दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रियाओं में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, ठीक है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संयोजी अभिक्रिया नहीं होगा, ना द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, ये भी नहीं होगा, तो संयोजी अभिक्रिया भी नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो बी नंबर इसका आंसर सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि 31 नंबर कि C+O2CO2 जो होता है उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह संयोजी अभिक्रिया है, सी नंबर जो होती है वह संयोजी अभिक्रिया होती है। उसके बाद जो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, जो कि मेरा 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर CaO प्लस H2O एरो CA
इंटू ओ एच टू जो होता है वह उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार मतलब कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह संयोजी अभिक्रिया है, ठीक है, यह संयोजी अभिक्रिया है। उसके बाद जो कि ये 33 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड में पूछता है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को अब आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि ऊष्मीय वियोजन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे, आप लोगों को बताना है क्या होगा। जिन जिन अभिक्रियाओं में से ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 34 नंबर का जो होगा आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी प्रकार से हम और भी वीडियो बनाएंगे, आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए और हमारे वीडियो को इंड तक वॉच करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।